देखिए, पेट्रोलियम प्राइस सभी को चुभ रहा है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। दो प्रमुख कारण है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण, उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। हम उत्पादनकारी देशों को, ओपेक ओपेक प्लस की कंट्रियों को बार बार यही विषय को आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता है, उनमें कुछ फर्क आएगा, यह हमारी अपेक्षा है। उसके अलावा कोरोना के कारण हमको अनेक विकास के काम करना पड़ रहा है, भारत सरकार को करना पड़ रहा है, राज्यों को भी करना पड़ रहा है। इसीलिए कुछ टैक्स राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। इसमें भी जैसे आपने कहा, आसाम सरकार ने पिछले दिनों में टैक्स घटाई थी, मेघालय सरकार ने टैक्स घटाया है, कल वित्त मंत्री जी ने इस विषय को कहा है, इसको लेके भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलके अपने हिस्से की जो जिम्मेवारी है, विकास काम को जारी रखना पड़ेगा। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन पे खर्चा किया जाएगा, ज्यादा खर्चा होने से ज्यादा रोजगार मिलेगा, इसीलिए रेलवे, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अन्य कारखाने, भारत सरकार अपना निवेश बढ़ाया है। 34% ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग भारत सरकार अपने बजट से ही करने वाला है, ऐसी राज्य सरकार भी करने वाले हैं। इसीलिए इस टैक्स की आवश्यकता है, लेकिन इसके संतुलन की भी आवश्यकता है। मैं मानता हूं वित्त मंत्री जी सभी को बुला के कुछ रास्ता निकाल सकते हैं आगे। देखिए, खाड़ी की देश जहां से ज्यादा तेल उत्पादन होता है, अब तक ये दोहरी बिक्री की व्यवस्था किए थे, अमेरिका और यूरोप के लिए एक रेट, एशिया भारत, चाइना, जापान, उनके लिए एक रेट, जिसको एशियन प्रीमियम कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे उत्पादनकारी देशों के नेतृत्व को दो टूक कहा था कि हम विश्व की एक बड़ा कंज्यूमर है, आप ऐसे हमारे साथ नहीं कर सकते, हमारी खपत ज्यादा है, हमको ज्यादा मूल्य देना पड़े, ऐसे नहीं चल सकता है। अभी अभी जनवरी फरवरी की उत्पादनकारी देशों की OSP निकली है, ऑफिशियल सेल्स प्राइस निकली है, पहली बार उन्होंने एशियन प्रीमियम को घटाया है, हमारी प्राइस की तुलना में अमेरिका और यूरोप की प्राइस महंगा हुई है, पहली बार हुई है। मैं इसकी श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, भारत के कंज्यूमर्स को देता हूं, हम अपने हितों को बार्गेनिंग कर पा रहे हैं आज। एक तो हमने 2022 ही कहा था, हम उस लक्ष्य को लेकर अभी भी चल रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम अपने जो आने वाले आवश्यकता रहेगी उसकी एक भारी मात्रा में 10% तो करना ही है, हमारी उत्पादन को बढ़ा के, हमारी वैकल्पिक ईंधन की स्रोत नया ढूंढ निकालने के लिए। आज भारत दुनिया की सोलर एनर्जी की बड़ा महाशक्ति बन चुका है, एथेनॉल जो पहले हमारी आवश्यकता की 0.67% हम ब्लेंडिंग कर पाते थे, इसी साल इसको हम लोगों ने 8.5% तक ले गए, 500 करोड़ से 20,000 करोड़ तक ले गए। कंप्रेस बायोगैस की पहल की जा रही है, बायो डीजल की पहल की जा रही है, सोलार, विंड एनर्जी एफिशिएंसी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की ऑगमेंटेशन, ये सारे उपक्रम करके हम अपने उत्पाद, हमारे आवश्यकता को आने वाले दिनों में आज की बेसलाइन से 10% घटाएंगे, उसमें हम पूरा कॉन्फिडेंट है। एबे निजो मोबाइल रे ऑर्गस न्यूज़ रो ऐप माध्यम रे आपण देखि परिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु ऑर्गस न्यूज़ ऐप इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे बस खबर बे आपण को हाथ पहांता रे आपण भी जोडी होंतु ऑर्गस सहित ऑर्गस रो नुआ अपडेट सत्य रो संधान रे ऑर्गस सब पळे लोकन को साथ रे।